हेलो फ्रेंड, मैं दिव्या जैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल वेज टू वेज में। आज हम बनाएंगे मिर्ची वड़ा। ये जोधपुर की बहुत ही फेमस डिश है। इसे बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज हम जोधपुरी मिर्ची वड़ा बनाएंगे। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है। ये देखिए अंदर से भी कितनी अच्छी दिख रही है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जोधपुरी मिर्ची वड़ा की रेसिपी शुरू करते हैं। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए हमें ऐसी मिर्ची चाहिए। इस मिर्ची को भावनगरी मिर्ची बोलते हैं। मैंने यहाँ 5 मिर्ची ली है। ये मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं होती। अब हम मिर्ची को कट करेंगे और उसका बीज निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मिर्ची को कट करना है। अब हम ये मिर्ची का बीज निकाल लेंगे। ये मिर्ची को हमें अच्छे से क्लीन कर लेनी है। हमें इस तरीके से सारी मिर्ची को क्लीन कर लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन कर लिए है मैंने। मैंने यह सारी मिर्चियों में से बीज निकाल लिए हैं। अब हम बनाएंगे स्टफिंग। उसके लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून सौंफ। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन और सबको अच्छे से क्रैक होने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। अब डालेंगे 2 फाइनली चॉप हरी मिर्ची और 30 सेकंड के लिए अच्छे से कुक करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर और 30 सेकंड के लिए अच्छे से कुक करेंगे। अब हम डालेंगे आलू। मैंने यह लिए है 3 आलू, जिन्हें बॉईल और पील करके मैंने मैश कर लिया है। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हींग, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून शक्कर और आधा लेमन का जूस और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे 2 मिनट ढक के कुक करेंगे। अब इसे एक और बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब ये स्टफिंग हमें ये मिर्ची में भरना है। ये देखिए इस तरीके से हमें सारी मिर्ची भरनी है। हमें स्टफिंग को अच्छे से प्रेस करके फिल करना है और ऊपर से इसे स्मूथ कर दे। ये देखिए ऊपर से नीचे तक मैंने मिर्ची में अच्छे से स्टफिंग भर दी है। हमें सारी मिर्ची में ऐसे ही स्टफिंग भरनी है। ये देखिए मैंने सारी मिर्ची में स्टफिंग भर दी है। अब हम बनाएंगे बेसन का बैटर। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन। अब डालेंगे 3/4 टीस्पून नमक या नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को दोनों हाथों के बीच में क्रश करके डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए क्योंकि हमें मीडियम थिक बैटर बनाना है। हमें बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए। अब हम मिर्ची वड़ा फ्राई करेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने तक हम आगे की तैयारी करेंगे। हम ये बैटर में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
हमें बैटर में पहले से बेकिंग सोडा नहीं डालना है। जब भी हम मिर्ची वड़ा बनाएं, वो टाइम पे हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है। तेल गर्म हो गया है, अब मिर्ची वड़ा को बैटर में डाल के अच्छे से कोट करना है। बैटर को स्पून की हेल्प से भी लगा सकते हैं, या तो इस तरीके से हाथ से भी आप लगा सकते हैं। अब हम इसे तेल में डाल देंगे। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमें बीच बीच में इनकी साइड चेंज करनी है। मिर्ची वड़ा रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। अब एक मिर्ची वड़ा मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे बने हैं। ये देखिए अंदर से भी ये कितने अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। ये देखिए मिर्ची वड़े दिखने में कितने सुंदर हैं। आप भी ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। मैंने इसे इमली की चटनी और केचप के साथ सर्व किया है। आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।